दुर्ग के सिविल लाइन में अखिल भारतीय महापौर कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक अरुण वोरा विशेष रूप से शामिल रहे। दुर्ग के सिविल लाइन स्थित हॉकी ग्राउंड में भारतीय महापौर कप हॉकी टूर्नामेंट का शहर विधायक अरुण वोरा ने विधिवत उद्घाटन किया और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। उद्घाटन अवसर पर 3 मैच खेले गए, जिसमें बिलासपुर व कुरुद के बीच खेला गया। वह मैच में बिलासपुर ने 3-1 से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मैच झारखंड व रायपुर के बीच खेला गया, जिसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए अपनी जीत सुनिश्चित की। उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि अखिल भारतीय महापौर कप हॉकी टूर्नामेंट के आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा में निखार आएगा। वहीं महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी इस आयोजन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अखिल भारतीय महापौर कप हॉकी टूर्नामेंट के आयोजन का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति रुचि पैदा करना है, ताकि जिले व प्रदेश से बेहतर खेल प्रतिभाएं आगे निकलकर देश का प्रतिनिधित्व कर सके। दुर्ग नगर निगम के खेल प्रभारी मनदीप सिंह भाटिया ने भी महापौर कप हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की बातें कही। वहीं इस अवसर पर निगम सभापति राजेश यादव, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त आर.एन. वर्मा व MIC प्रभारी अब्दुल गनी सहित एल्डरमैन रत्ना नारामदेव और दुर्ग जिला हॉकी संघ के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव व MIC प्रभारी मनदीप भाटिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिल भारतीय स्तर पर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इससे बहुत लाभ होंगे। पूरे प्रदेश से, पूरे देश से खिलाड़ी आएंगे, उनके खेलों को हमारे क्षेत्र के लोग देखेंगे और उनके खेल में और निखार आएगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। कमी अगर किसी बात की होती है तो मौका देने की होती है, अवसर देने की होती है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, सभी क्षेत्रों के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है, जिसका परिणाम निकला है कि विभिन्न खेलों में न केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल बल्कि हमारे लोकल खेल है, उसके माध्यम से भी हमने एक अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो पहचान 15 वर्षों में विलुप्त होते जा रही थी। तो ये आयोजन से निश्चित रूप से बहुत फायदा है। मैं नगर निगम को और जिला हॉकी संघ को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा आयोजन किया। 4 दिन तक ये चलेगा और खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जी से मुलाकात की थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने अपनी सहमति दी है और हम लोग एक बार फिर जाके मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि दुर्ग का एकमात्र यह हॉकी मैदान या स्टेडियम होना चाहिए और सारे खिलाड़ी यहाँ के अभ्यास करेंगे। जिस तरीके से सभा यूम ने अपना स्थान बनाया है नेशनल ग्राउंड में खेलकर, वहाँ तो सुविधाएं भी नहीं थी, अब जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं का लाभ हमारे खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। महापौर ट्रॉफी कराने का उद्देश्य यही है कि हमारे युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देना। पहली बार, पिछली बार हमने प्रदेश स्तरीय महापौर ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट कराया था 7-a-side, इस बार हम लोगों ने 7-a-side राष्ट्रीय स्तर का हॉकी टूर्नामेंट कराया है, जिसमें हमारे प्रदेश की बाहर की टीमें, भुसावल, झारखंड, सिवनी की भी टीमें आई हैं और लगभग 14 टीमें यहाँ आई हैं। हमारे प्रदेश में जगदलपुर से आई है, राजनांदगांव से, रायपुर से, कुल मिला के लगभग 14 टीमें आई हैं। और जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि हमको खेल कूद को बढ़ावा देना है, हमारे शहर के विधायक माननीय अरुण वोरा जी की भी मंशा है। तो नगर निगम के द्वारा हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग फ्लावर शो कराते हैं, खेलकूद के क्षेत्र में हम लोग हॉकी कराए, बीच में वेट लिफ्टिंग कराए थे और बॉडी बिल्डिंग का वो कराए थे। तो लगभग हम लोग का ये प्रयास है कि हमारे युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में अवसर मिले, खेलकूद के क्षेत्र हो चाहे पर्यावरण के क्षेत्र हो, हम लोग चाहते हैं कि उनको अवसर मिले। चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेडियम लगे, लगातार हम लोग प्रयासरत भी हैं, यहाँ के खिलाड़ी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में हम लोग भी मुख्यमंत्री जी से मिलने आर.एन. वर्मा जी, हमारे सभापति राजेश यादव जी के साथ जाएंगे, ताकि ये जो ग्राउंड यहाँ पे कई सालों से हमारे बच्चे हॉकी खेलते हैं, तो ये एस्ट्रोटर्फ लग जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारे खिलाड़ियों को किसी प्रकार की भी कोई अड़चन ना हो खेलने में,
हम सबको उद्देश्य है कि यहाँ के खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सभा इंजन की गई थी वैसे यहाँ से ज़्यादा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर में जाए और ओलंपिक भी खेले। लगातार दूसरी वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन माननीय महापौर जी और माननीय विधायक जी के अनुशंसा पर कराया गया है। लगभग पाँच विभिन्न राज्यों से यहाँ पर मध्य प्रदेश और झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं एक और राज्य से टीम आई है। लगभग पाँच राज्यों की टीम ने यहाँ पर प्रतिभागी हुए हैं और खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था से लेकर बाहर से कोचेस बुलाए गए हैं ताकि ठीक तरीके से निर्णय किया जा सके, किसी भी तरीके का मनभेद ना हो इनके बीच में करके यह निर्णय लिया गया था। और लगभग चार दिवसीय टूर्नामेंट यह कराया जाना है माननीय महापौर जी के अनुशंसा अनुसार। युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए ग्रुप नगर निगम और जिला हॉकी संघ के तत्वावधान में पिछले वर्ष प्रारंभ की गई महापौर ट्रॉफी, जिसका सफल आयोजन गत वर्ष किया गया था, उसी कड़ी में इस वर्ष भी अखिल भारतीय स्तर पर महापौर ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में हमारे सभी खेल प्रेमी जो हॉकी से जुड़े हुए हैं और हमारे युवा प्रतिभा है, उनको हम लोग और अधिक सुविधा प्रदान कर हॉकी को एक नई दिशा तक देने का काम करेंगे। इसी कड़ी में बहुत जल्द इसी ग्राउंड पर एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया जाएगा, जो कि शहर से लगा हुआ है। देखने में आया है कि यहाँ कहीं भी एस्ट्रोटर्फ लगा है वो शहर के बाहर हो जाने के कारण हॉकी की नर्सरी उतनी अच्छी विकसित नहीं हो पा रही है जितनी अच्छी विकसित हम इस ग्राउंड में टर्फ लगाकर करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दुर्ग शहरवासियों को, खेल प्रेमियों को बहुत जल्द हम टर्फ के माध्यम से सुविधा बढ़ाने का काम करेंगे और युवा प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत कम सुविधाओं में हमारी सभा अंजुम कन्वीर अकीम जी के माध्यम से राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व कर चुकी हैं। अगर टर्फ हम दे दिए तो निश्चित रूप से भारतीय टीम में, चाहे पुरुष टीम हो कि महिला टीम हो, हमारे बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे, हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। निश्चित रूप से युवा प्रतिभा को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम साबित होगा। बहरहाल विजयी प्रतिभागी पुरस्कृत किए जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।